हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित ट्रिक। आज के इस वीडियो में सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज सीखेंगे ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये ट्रिक, ये शॉर्टकट छोटे क्लास के बच्चे, बड़े क्लास के बच्चे और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर वन जो है वर्टिकल लाइन के साथ। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में आपको अगर पूछा जाए कि इसमें कितना ट्रायंगल है तो क्या बोलेंगे आप? तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है तो इजी है, चलिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन है एक ट्रायंगल के अंदर, तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए नंबर वन नंबर टू, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो वन प्लस टू ये कितना हो गया? थ्री। तो आप बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में तीन ट्रायंगल है। एक दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए एक है ट्रायंगल ए बी सी डी ई। अभी इसमें कितना है? अभी इसमें वर्टिकल लाइन दो दिया हुआ है, ए से लेके डी तक और ए से लेके एफ तक। तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए एक दो तीन, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए वन प्लस टू प्लस थ्री, ये हो गया सिक्स। तो आप बोल सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से कि इसमें छह ट्रायंगल है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, इसमें कितना ट्रायंगल है अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं, पहले नंबरिंग कर लीजिए इसमें वन टू थ्री फोर, और इन चारों को ऐड कर लीजिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो चार तीन सात दो नौ और एक दस। तो आप बोल सकते हैं इसमें दस ट्रायंगल है। ये तो हो गया वर्टिकल लाइन का, जो ट्रिक नंबर वन था वर्टिकल लाइन का था। अब ट्रिक नंबर टू है, अगर किसी ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे इस ट्रायंगल में देख लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है डी और ई। तो इसमें अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप गिन लीजिए और सीधा बोल सकते हैं कि इतना ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे एक और दो, तो ये आपका हो गया दो ट्रायंगल, एक हो गया ए बी सी ट्रायंगल और एक हो गया ए डी ई ट्रायंगल। ठीक इसी तरह अगर एक और ट्रायंगल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ए बी सी, इसमें कितना ट्रायंगल अगर आपको पूछा जाए तो आप इसको भी बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। अब पहले आपको गिनना पड़ेगा इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है? एक दो तीन चार। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि इसमें चार ट्रायंगल है। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें कितना ट्रायंगल है पूछा जाने पर सेम फार्मूला इसमें भी आप यूज़ करेंगे। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच, टोटल पाँच इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप बोल सकते हैं बड़ी इजीली कि इसमें पाँच ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट जो ट्रिक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों है तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेट, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें एक वर्टिकल लाइन है ए और जी, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है डी और ई। अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो है, सिर्फ बीच में एक वर्टिकल लाइन है इतना याद रखिए। अगर बीच में एक वर्टिकल लाइन है तो आप शुरुआत में जैसे नंबरिंग कर रहे थे एक दो तीन, एक दो तीन चार, ऐसे इसको नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग करने के बाद इसमें क्या नंबरिंग आएगा? एक और दो। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए वन प्लस टू, ये हो गया आपका थ्री, वन प्लस टू आपका हो गया थ्री। और अभी देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन का जो फार्मूला है, कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको गिन लीजिए एक दो। तो ये तीन के साथ ये जो दो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थ्री टू जा सिक्स, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और इसमें वर्टिकल लाइन हो गया ए डी और ए ई, और हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए एफ जी एच और आई। अभी इसको काउंट करेंगे तो जो आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ वर्टिकल लाइन है उसको याद रखिए। तो वर्टिकल लाइन दो है तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो एक दो तीन, और इन तीनों को ऐड कर लीजिए वन प्लस टू प्लस थ्री, ये हो गया आपका सिक्स, वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स। और अभी
हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना है वो चेक कर लीजिए, 1 2 3, तो 6 × 3, तो 6 × 3 = 18, तो आपका आंसर आ गया 18। चलिए एक और देख लेते हैं सेम इसी तरह, लेकिन अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन कुछ ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे, करेंगे वही सेम फार्मूला। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें वर्टिकल लाइन है डी ई एफ जी एच आई जे के एल। मैं तो ये जो नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी, ये तो ऐसे ही है आपको समझाने के लिए बस। चलिए देख लेते हैं, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भूल जाइए अभी, जो वर्टिकल लाइन है इसमें नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया, और इसको आप ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, ये आपका हो गया 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो गया आपका यहाँ से। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है गिन लीजिए, 1 2 3 4, अभी 10 × 4, तो 10 × 4 = 40, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह ट्रिक 1 ट्रिक 2 और ट्रिक 3, ट्रिक 1 में था वर्टिकल लाइन कैसे अगर है तो कैसे ट्रायंगल बता पाएंगे आप, ट्रिक 2 में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप कैसे काउंट कर पाएंगे, अगर ट्रिक 3 में वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों है तो आप कैसे बता पाएंगे कि कितना ट्रायंगल है, ये आपको आज सीखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक लाऊंगा जिससे आपको बहुत इजीली ट्रायंगल बोलने में बहुत आसानी हो। ट्रायंगल कैलकुलेट करने के कर का और भी कुछ ट्रिक्स है, सब्सक्राइब करें गणित ट्रिक को, और मैं आपको पानी की तरह आसान और इजी बना डालिए। चलिए धन्यवाद।